हेलो, अमेजिंग अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, सैमसंग ने अपना M31 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। आज की वीडियो में हम M31 को कंपेयर करेंगे शाओमी के Note8 Pro के साथ। जैसा कि सैमसंग की M सीरीज को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और इसके M30S बहुत ही शानदार स्मार्टफोन है, तो अब देखने वाली बात यह है कि M31 लोगों को कितना पसंद आता है। M31 और Note8 Pro में कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा है? क्या M31 15,000 की रेंज में सबसे बेहतर स्मार्टफोन साबित हो पाएगा? आज की वीडियो में हम आपके सारे सवालों के जवाब लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अमेजिंग अपडेट की यह अमेजिंग वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की, तो इसमें M31 Note8 Pro से थोड़ा बेहतर है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, वहीं Xiaomi में आपको मिलता है IPS LCD डिस्प्ले विद वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। दोनों फोन में नॉच की बात करें तो M31 का नॉच थोड़ा छोटा है, वहीं Xiaomi का नॉच भी ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा फैला हुआ है। चिन की बात करें तो Xiaomi के मुकाबले सैमसंग का चिन थोड़ा बड़ा है, लेकिन ओवरऑल डिस्प्ले में M31 Note8 Pro से बेहतर है। अब स्क्रीन साइज की बात करें तो M31 में आपको मिलती है 6.4 इंच की फुल HD डिस्प्ले विद वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, वहीं Xiaomi में आपको मिलती है 6.53 इंच की फुल HD डिस्प्ले। इसके साथ ही आपको बता दें Xiaomi में आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिलती है, जबकि M31 की स्क्रीन में आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती। अब डिज़ाइन की बात करें तो दोनों ही फ़ोन के डिज़ाइन काफ़ी शानदार हैं और देखने में ये प्रीमियम लगते हैं। डिज़ाइन की चॉइस यूज़र की पसंद पर डिपेंड करती है, क्योंकि डिज़ाइन को लेकर सबकी पसंद अलग अलग होती है, लेकिन Xiaomi का डिज़ाइन थोड़ा कॉमन है, काफ़ी स्मार्टफोन में आपको इस तरह का डिज़ाइन मिल जाएगा। इसमें वर्टिकल शेप में कैमरा दिया गया है, वहीं अगर सैमसंग की बात करें तो इसका डिज़ाइन थोड़ा यूनिक है, क्योंकि इसमें बॉक्स शेप में कैमरा दिया गया है जो कि दूसरे फ़ोन में देखने को नहीं मिलता। हालांकि सैमसंग के फ़ोन में इस तरह का डिज़ाइन दिया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि सैमसंग M31 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है। इसमें आपको बैक पर सेंसर दिया गया है, वहीं Xiaomi में भी आपको बैक पर ही सेंसर मिलता है। Xiaomi के बारे में एक ख़ास बात यह भी जान लीजिए कि इसमें आपको बैक पर गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी मिलता है, जबकि सैमसंग पर ना तो स्क्रीन में गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन है और ना ही बैक पर। अब नज़र डालते हैं दोनों के चार्जिंग पोर्ट पर, तो इसमें दोनों फ़ोन सेम ही हैं, दोनों में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है और दोनों में 3.5 का मॉड्यूल जैक भी दिया गया है। डिज़ाइन के बारे में आपको सारी जानकारी मैंने दे दी है, आपको किसका डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोनों के स्पेसिफिकेशन की, तो दोनों ही फ़ोन काफ़ी पावरफुल हैं। दोनों में Note8 Pro हीलियो G90T चिपसेट पर काम करता है, वहीं सैमसंग गैलेक्सी M31 एक्जीनोस 9651 पर काम करता है। दोनों के प्रोसेसर काफ़ी शानदार हैं, हालांकि Xiaomi प्रोसेसर के मामले में थोड़ा बेहतर है। अब बात करते हैं रैम की, तो दोनों के बेस वेरिएंट में 6GB रैम और 64GB की स्टोरेज मिलती है। अब बैटरी की बात करें तो इसमें सैमसंग का कोई तोड़ नहीं है। आपको बता दें सैमसंग M31 में मिलती है 6000 mAh की बैटरी, जो कि काफ़ी बड़ी है। इसका चार्जिंग सपोर्ट 15 वॉट का है। Note8 Pro में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है और चार्जिंग सपोर्ट 18 वॉट का है। तो अगर आप एक पावरफुल बैटरी वाला स्मार्टफोन तलाश रहे हैं तो सैमसंग M31 का कोई मुकाबला नहीं है। इसका डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन भी शानदार है, ये स्मार्टफोन आपके लिए एक बेहतर स्मार्टफोन साबित हो सकता है। हालांकि Xiaomi भी एक शानदार स्मार्टफोन है, लेकिन यह उन लोगों के लिए है जो गेम खेलना पसंद करते हैं। अब चेक करते हैं दोनों का कैमरा, तो दोनों में ही आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। सैमसंग में आपको 64+8+5+5MP का कैमरा मिलता है और Xiaomi में आपको मिलता है 64+8+2+2MP का रियर कैमरा। सेल्फी कैमरा की बात करें तो सैमसंग का सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है और Xiaomi का सेल्फी कैमरा 20 मेगापिक्सल का है। चलिए अब दोनों के सॉफ्टवेयर चेक करते हैं, तो M31 में आपको मिलता है एंड्रॉयड 10, जबकि Xiaomi में आपको मिलता है एंड्रॉयड 9। तो सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में सैमसंग बेहतर है।
दोनों ही फ़ोनों के बारे में हमने आपको सारी ज़रूरी जानकारी दे दी है। दोनों ही फ़ोन्स में अलग अलग खूबियाँ हैं। बैटरी, डिस्प्ले, कैमरा और लुक को लेकर सैमसंग थोड़ा बेहतर है। M31 का सॉफ्टवेयर भी एंड्रॉयड 10 है, जबकि Xiaomi में आपको मिलता है एंड्रॉयड 9। दोनों के प्राइस की बात करें तो M31 आपको मिलेगा 14,999 रुपये में, वहीं Xiaomi Note8 Pro को आप 13,999 रुपये में खरीद सकते हैं। दोनों ही फ़ोन 15,000 की रेंज में बेहद शानदार फ़ोन हैं। आपको दोनों में से कौन सा फ़ोन पसंद आया यह आपको तय करना है। आपको कौन सा फ़ोन पसंद आया इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही जाने से पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें।